सो एवाम गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारी वीडियोस के साथ। दोस्तों, एक स्टूडेंट का एक डिमांड आई थी, उस डिमांड के लिए मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके लिए निकाला और आप इसे देखने की कोशिश करिए। और उस स्टूडेंट ने जो चीज पूछी थी वो ये पूछा था बेटा कि प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। जब आपको बात आती है कि बेटा बेड सोर का कैसे प्रिवेंशन किया जाता है, मीन्स जब बात आती है कि प्रेशर सोर या बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर, ये प्रेशर सोर होता क्या है, ये प्रेशर सोर होता क्या है। जब हम प्रेशर सोर की बात करते हैं तो प्रेशर सोर मींस किसी चीज के ऊपर उसका प्रेशर पड़ रहा है, मींस प्रोलोंग्ड टाइम तक कोई भी पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटा रहता है या बैठा रहता है, तो उस कंडीशन में हमारी बोन और हमारे जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उसके बीच में, इनर साइड से बोन और बाहर जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उनके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ये प्रेशर सोर डेवलप होते हैं। प्रोलॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में रहने से, चाहे आप बैठे हुए हो चाहे आप लेटे हुए हो, उस दौरान आपके जो टिश्यूज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से साइनोसिस होता है, मींस टिश्यूज को कम मिलती है। उसके बाद यदि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती तो उससे नेक्रोसिस होता है, टिश्यू डैमेज होते हैं और ये लीड करता है प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर या बेड सोर प्रोलॉन्ग टाइम तक पोजीशन पे। अब कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सुपाइन पोजीशन, मींस हम सीधे लेटे हुए, तो इस दौरान हमारे बॉडी के कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां पर प्रेशर सोर होने के चांसेस रहेंगे, तो आप खुद लेट के देख लीजिए। आप सीधे लेटेंगे तो आप ओसीपुट रीजन, आपके दोनों शोल्डर रीजन, दोनों हिप्स और उसके बाद में आपके जो नीचे एंकल के नीचे जो आपकी जो है वो, ये सारी चीज है आपके जो पीछे आपकी हील। जब आप सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे तो आपकी हील आपके हिप्स के ऊपर, आप इसको इस्टियल ट्यूबरोसिटी या इस्टियम इसको बोल सकते हैं बेटा, और पीछे जो आपके स्कैपुला और ये ओसीपिटल रीजन, ये उस बेड के कांटेक्ट में आते हैं। बेड के कांटेक्ट में आने से प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसको प्रेशर सोर बोला जाता है। दोस्तों, बुक के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इनसाइड ऑफ द बोनी प्रोमिनेंस या बोन इनसाइड से बाहर एक्सटर्नल सरफेस के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू जाते हैं वो प्रेशर के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि प्रेशर सोर डेवलप होता है। अब प्रेशर सोर डेवलप हो गया, सुपाइन पोजीशन में लेटे थे आप, ऐसे हो गया। प्रॉन पोजीशन में आप उल्टे लेट के देख लीजिए, प्रॉन पोजीशन आएंगे तो आपका चीक और ये जो आपका मैंडिबल है यहां पर चांसेस होंगे, यदि फीमेल है तो ब्रेस्ट पर चांसेस होंगे प्रेशर सोर होने के। उसके बाद में आपके जो नीचे जो पेल्विस है फ्रंट में, यहां पर चांसेस होंगे। फिर आपके जो ये नी जॉइंट है इनके ऊपर चांसेस होंगे, और नीचे जो फिंगर्स टोज, मींस जो चीज आपके बेड के कांटेक्ट में आ रही है, वही आपके पास जो कांटेक्ट में आ रही है, जहां एयर मूवमेंट नहीं है, जहां पर मॉइस्चर पाया जा रहा है, जहां टेम्परेचर नहीं है, वहां पर चांसेस होंगे आपके क्या बेटा, प्रेशर सोर होने के। जब प्रेशर सोर की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले असेसमेंट करना चाहिए। एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं हम 10 मिनट की, जिसके अंदर क्या क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेशर के मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, प्रेशर मैनेजमेंट, तो प्रेशर मैनेजमेंट के अंदर प्रेशर सोर की जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज आती है पोजिशन, मीन्स फ्रीक्वेंटली आपको पोजीशन चेंज करनी है उस पेशेंट की। फ्रीक्वेंटली का मींस रिपोजिशन क्लाइंट एवरी 90 मिनट्स, 90 मिनट के अंदर क्लाइंट्स की पोजीशन चेंज करनी है। टर्निंग इंटरवल 120 मिनट्स टू 30 मिनट्स, ये आपको पोजीशन चेंज करती है। स्किन का असेसमेंट करते रखना है और स्किन के असेसमेंट का रिकॉर्ड आपको लिख के रखना है, ये नहीं आप भूल जाए। रिकॉर्ड का मतलब यस्टरडे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्किन एंड टूडे व्हाट इज द कंडीशन and lot of the scale of the skin condition they have given in the books. तो आप books को use करें, Potter Perry बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं उसको। उसके अलावा साइट केयर, उसकी साइट को देखना है और जहां पर प्रेशर हो रही है वहां आपको देखना है। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन का मतलब आपको यदि रबड़ के बेड पर लिटाया जाएगा और वो बेड इधर से उधर फ्रिक्शन करेगा तो दैट विल लीड प्रेशर सोर। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, हीट, हीट मींस नॉर्मल उस वहां पर ड्राइनेस होनी चाहिए। उसके बाद कोई पैथोजेंस, कोई कीटाणु, एसेप्टिक तरीके से एनवायरमेंट क्लीन, हेल्थी एंड हाइजेनिक होना चाहिए।
पेशेंट की पोजीशंस को बार बार उसको चेंज करवाने, यदि कोमा में पेशेंट है तो थोड़ी देर आप उसको एक साइड में लेंगे, साइड लेटरल करेंगे, पीछे आप उसकी बैक केयर करेंगे। बैक केयर पे आपको ध्यान देना है कि आप बैक केयर के लिए अलग से हमारी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बैक केयर में क्या करेंगे आप कि उसके पीच को, उसकी बैक को क्लीन करेंगे, क्लीन पानी से करेंगे, फिर सोप से करेंगे, सोप वाटर से क्लीन करके फिर उसे टॉवल से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगाने से वहां पर क्या होगा, जब आप इस सर्कुलेटरी वे में उसको आप बैक केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, जिससे कि आप प्रिवेंशन कर सकते हो बेड सोर का। और प्रिवेंशन के अंदर एक तो हो गई आपकी पोजीशन, दूसरा हो गया आपका मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तीसरा हीट प्रॉपर होनी चाहिए, कोई पैथोजेंस नहीं होने चाहिए, कोई कीटाणु नहीं होने चाहिए वहां पर, ठीक है बेटे, और स्किन कंडीशन असेस करते हुए होना चाहिए कि स्किन की कंडीशन आप असेस कर रहे हो। और छठा, आपको बैक केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी पीछे से बैक केयर प्रोवाइड करनी है, ड्राइनेस रखनी है, कपिंग करना है। कपिंग मींस फिंगर, ये हाथ को कप की तरह बना के इस तरीके से बैक में उसके कपिंग करनी है, रोटेटरी वे में, सर्कुलेटरी वे में उसके बैक की मसाज करनी है, जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। इसके अलावा डेली टोटल बॉडी असेसमेंट करेंगे आप, यदि कोई न्यू स्किन ब्रेकडाउन हुआ है तो आप उसे नोट करेंगे, पैल्पेट करेंगे, कहीं रेडेंड एरिया है सेक्रम के आसपास में तो आप उसे पैल्पेट करेंगे, पेशेंट को यदि कोई इंजुरी हो गई है तो आप चेक करेंगे। उसके बाद में आप प्रायोरिटाइज सेटिंग करेंगे। प्रायोरिटी, यहां पर एक बड़ी चीज जो आती है बेटा, छह बैक केयर, सातवीं जो एक चीज आती है बेटा, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मींस पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट मिलनी चाहिए। हाई का मतलब ये नहीं आप प्रोटीन सप्लीमेंट दे, हाई मींस पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे प्रोटीन डाइट मिलनी चाहिए, जिससे क्या होगा, पेशेंट के टिश्यूज हील होंगे। यदि उसे कोई बुंड हो गया है तो प्रोटीन उसके टिश्यू रिकवरी में, या इंजुरी के बाद जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनकी रिकवरी के अंदर हेल्पफुल होता है। तो आपको न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, और न्यूट्रिशन के बाद उसका डेफिकेशन, यदि वो स्टूल पास कर रहा है, यूरिनेशन पास कर रहा है, तो आपको देखना, डायपर लगा के रखना है, वहां पर बेट नहीं होने देना है, मॉइस्चर एनए होनी चाहिए, मॉइस्चर मींस वहां पर मॉइस्चर नहीं पाई जानी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। उस मॉइस्चर के बाद पेशेंट की हमें कंटिन्यूटी केयर करनी है, कंटिन्यूटी केयर के अंदर उसके हेल्थ प्रमोशन का ध्यान रखना है, टॉपिकल स्किन केयर हमें प्रोवाइड करनी है। टॉपिकल स्किन केयर मींस हमारी जो स्किन के ऊपर की जो सरफेस है उसको हमें क्लीन करना है। दोस्तों जब हम इसमें जाएंगे, अभी हम लोग डिस्कस करें बुंड के टाइप्स कितने हैं, ड्रेसिंग भी आजकल बहुत तरीके की आ गई है, एक आध दो ड्रेसिंग के टाइप्स हम बता देंगे, और यदि कहीं पर प्रेशर सोर हो गया तो उसकी ड्रेसिंग करनी है, और ड्रेसिंग मींस एंटीसेप्टिक तरीके से आपको ड्रेसिंग करनी है, और उसके बुंड का असेसमेंट करना है डेली कि कोई पस फॉर्म तो नहीं हो गया, कोई पैथोजेंस तो नहीं हो गया, उसका सेंसरी परसेप्शन तो कहीं अल्टर्ड नहीं हो गया है। सेंसरी परसेप्शन मींस सेंसेशन चल रहा है ना, उसके सेंसरी परसेप्शन उसका अल्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए एंड नॉट शियर, शियर नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी एंड मोबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए पेशेंट की, और यदि आप उसे करवा सकते हैं तो एक एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है पेशेंट की। एक्सरसाइज हमारी कितने तरीके की होती है बेटा, एक्सरसाइज दो तरीके की होती है, एक एक्सरसाइज होती है एक्टिव एक्सरसाइज, और दूसरी जो एक्सरसाइज होती है बेटा पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज मींस एक ऐसी एक्सरसाइज जो पेशेंट अपने खुद एक्सरसाइज कर सकता है, खड़ा होके वो खुद चल सकता है, वो खुद अपने हाथ ऊपर उठा सकता है, वो खुद व्यायाम कर सकता है, उसको बोलते हैं एक्टिव एक्सरसाइज। और पैसिव एक्सरसाइज मींस हम पेशेंट को सपोर्ट करके एक्सरसाइज करवाए, मींस यदि वो हाथ को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा तो हम उसे थोड़े से हाथ को एलिवेट करके उससे एक्सरसाइज करवाए, क्लैपिंग करवाए, उसके बैक की कराए, एयर कॉन्टेक्ट में आए, इन्वायरमेंट का सर्कुलेशन हो, एयर का सर्कुलेशन हो, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस नहीं होना चाहिए, अल्सर की प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, बुंड का मैनेजमेंट होना चाहिए, और 30 डिग्री लेटरल पोजीशन यदि हम किसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर कम चांसेस होते हैं बेटा। 30 डिग्री लेटरल पोजीशन मींस लेटरल साइड में थोड़ा सा 30 डिग्री हो गए और आपने बैक की केयर की। मैं रियल बता रहा हूं, इफ यू आर वर्किंग एज ए हेल्थ पर्सनल, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द नर्सिंग, आई एम टेलिंग एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इफ यू विल वर्क for a patient, for a speedy recovery, then you will be benefited by the God. So you have to work appropriately according to the patient requirement.
पेशेंट की रिक्वायरमेंट मीन्स जो पेशेंट को जरूरत है, क्योंकि पेशेंट इज द नीडलेस और हेल्पलेस, उस समय आपको उसकी जरूरत है तो आपको उसे केयर प्रोवाइड करनी है। उसको फुल बेड मिलना चाहिए पेशेंट को, ये नहीं आधे बेड पे कोई और लेटा है, आधे बेड पे कोई और लेटा हुआ है। फोम, आजकल जो मैट्रेसेस है एयर फोम वाले आ गए, वाटर मैट्रेस भी आ गए, एयर फोम। यदि आपके जो प्रेशर पॉइंट है वहां पर आप एयर फोम लगा सकते हो तो ठीक है, और यदि पूरा बेड एयर फोम वाला हो तो वो और भी बेटर चीज है। तो आपको ध्यान रखना है कि एयर फोम वाला बेड यूटिलाइज करना है जिसके ऊपर एयर फोम वाला मैट्रेस हो, ठीक है बेटा। और कंटिन्यूअस पैसिव मोशंस टू प्रमोट मोबिलाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस। और बेटा यदि उसके माउथ के अंदर सीक्रीशंस है तो हमें पेशेंट को एक्सेल, मतलब पेशेंट को हमें सपोर्ट करना है कि वो एसिलरेट करे, वो एक्सेल करे। यदि अंदर कोई सीक्रीशंस, कोई माउथ के अंदर कोई सीक्रीशंस भरे पड़े तो वो बाहर निकले, उसे एक्सरसाइज कर बनी है, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसे एक्सरसाइज बतानी है, तो बेटा ये उसको करना है। उसके बाद पेशेंट को फ्लूडाइज्ड, पेशेंट को बेड फ्रेम विद द सिलिकॉन कोटेड बेड्स, बीड्स आते हैं दैट बिकम फ्लूडाइज्ड व्हेन एयर इज पंप्ड थ्रू द बेड्स। अब जहां पर प्रेशर है वहां पर आजकल सिलिकॉन वाले भी आ गए, अच्छे तरीके के बेड भी आ गए, मैट्रेस भी आ गए, वो यूटिलाइज करने। और यदि नहीं हो तो कॉटन रोल भी लगा सकते। अरे भाई किसी के पास यदि एयर मैट्रेस नहीं है या सिलिकॉन मैट्रेस नहीं है तो हम उस जगह प्रेशर पॉइंट मींस जहां पर हमारे शरीर का जो पॉइंट बेड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मारा है वहां पर हम कॉटन के रोल लगा सकते। अरे दोस्तों कॉटन के रोल नहीं तो कपड़े का रोल लगा दो जिससे कि वो प्रेशर उसके ऊपर आए और वो फ्रिक्शन बंद हो जाए, एयर का सर्कुलेशन हो जाए जिससे कि आपके हाथ की रिकवरी हो जाए। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, जब हम प्रोलॉन्ग टाइम तक यदि हम ग्लव्स पहनते हैं हाथों में और यदि कोई सर्जरी के दौरान चले जाते हैं और बाय चांस कोई लीक होता है उस ग्लव्स के अंदर तो वो पानी उस हॉल के थ्रू अंदर घुस जाता है हाथ में। अब हाथ में घुसने के बाद आप देखेंगे जब ग्लव्स उतारेंगे आपके हाथ में रिंकल्स पड़ गए, स्किन की थोड़ी सी बुरी कंडीशन हो जाती है, मींस मॉइस्चर मौजूद था, फ्लूइड मौजूद था वहां पर। लेकिन जैसे आप उन ग्लव्स को बाहर निकालते हो, हैंड वॉश करते हो, क्लीन करते हो, थोड़ी देर ड्राई रखते हो और हीट की तरफ लेके जाते हो, आपके हाथों की कंडीशन सही हो जाती है। तो मींस ये कहने के लिए मैं बता रहा हूं बेटा, एयर का मूवमेंट होना, ड्राई होना, ये हेल्पफुल होता है पेशेंट की रिकवरी के लिए और बेड सोर की रिकवरी के लिए। पेशेंट को देखना है कि वो कोई रिस्की पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बेटा वुंड हीलिंग डिले होती है उनकी, तो उन कंडीशंस में हमें पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज देखनी चाहिए आसपास में कि जिससे पेशेंट को इंजुरी ना हो, प्रेशर ना हो। कई बार पहले के टाइम पे जूट वाले बेड दे देते थे, प्लास्टिक ऊपर लगा हुआ है, पंखा चल नहीं रहा, तो यदि वहां पर स्वेट आएगा तो आपको पता ही है कि उसके अंदर प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसकी बजाय आप अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस यूज कर सकते हैं जिससे कि आप उसके पेशेंट के प्रेशर सोर को आप मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद में कई बार एक और सिल्वर नाइट्रेट जेल आती है दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट जेल का मतलब क्या होता है बेटा, यदि कहीं प्रेशर सोर हो गया है तो वहां पर आप सिल्वर नाइट्रेट जेल लगा देंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट जेल एक फ्लूइड से बैरियर का काम करेगी और ये फ्लूइड को स्किन के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगी, जो कि आपके प्रेशर सोर को हील होने में मदद करता है। बाकी एंटीबायोटिक्स, बीटरडिन, एस्प्रिट या एंटीसेप्टिक लोशंस, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टेट, ये आपको केमिकल्स यूज करने हैं। जैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि स्प्रिट हमारा बैक्टीरिसाइडल होता है, बैक्टीरिसाइडल मींस स्प्रिट बैक्टीरिया को किल कर देता है बिल्कुल, जबकि बीटरडिन और आयोडीन, पोविडिन, ये बैक्टीरियोस्टेट होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। पेशेंट को एक्यूट केयर प्रोवाइड करनी है, एक्यूट केयर मींस यदि कोई केयर पेशेंट को सडन रिक्वायर्ड है तो हम वो प्रोवाइड करेंगे, तुरंत रिक्वायर करेंगे, बुंड का मैनेजमेंट करेंगे। और यदि वहां पर सराउंडिंग में उस बुंड के आसपास कोई टिश्यू डेथ हो गया है तो वहां उस डेथ टिश्यू को हटाने का जो एक प्रोसीजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिब्राइडमेंट। जैसे बेटा ये एक बुंड है हमारा, इस बुंड के अंदर यहां पर ब्लीडिंग्स और जो आपकी कैपिलरीज है वो ओपन है और साइड की जो ये सरफेस है, ये सरफेस कैसी हो गई है, डेथ, डेड हो गई है, मींस यहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड की स्किन को हटा देंगे जिसको क्या बोलते हैं बेटा, डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट मींस जो नॉन लिविंग टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को हम हटा देंगे जिससे कि
वहां पर प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बन जाए। और कई बार तो डिब्राइडमेंट के बाद क्यूरेटाज भी कर देते हैं। क्यूरेटाज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता, CURETAG, क्यूरेटाइज का मतलब होता है खुरचना। एक क्यूरेट इंस्ट्रूमेंट आता है, कई बार ब्लेड को उल्टा करके यूं रगड़ देते हैं। उस रगड़ने से क्या होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज है उनके ऊपर, जो माउथ ब्लड कैपिलरीज की जो यदि ऊपर से रगड़ेंगे तो उनका माउथ ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो वहां ब्लीडिंग होगा, और जब ब्लीडिंग जहां स्टार्ट हो जाती है वहां पर टिश्यू रिकवरी और टिश्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा आपको समझ में आए डिब्राइडमेंट एंड क्यूरेटाज। यदि आपके बुंड है और यदि बुंड के अंदर नॉन लिविंग टिश्यूज है तो आप डिब्राइड करेंगे उसको। डिब्राइडमेंट मींस जो डेड टिश्यूज हैं उनको आप काट के बाहर निकाल देंगे। क्यूरेटाइज मींस आप क्लीन कर देंगे, क्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से यूं रगड़ देंगे। रगड़ने से क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन खुल जाएगा, कैपिलरीज के मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या काम करेगा बेटा, वो टिश्यू को हील और रिकवरी करने के अंदर काम में आता है। उसके बाद में प्रेशर अल्सर्स का डेप्थ करना है, कलर देखते रहना है, क्लोज रूम क्लोज डोर बेड साइड कर्टेंस यूज करने चाहिए, प्राइवेसी पेशेंट की मेंटेन हमें करनी चाहिए, स्टराइल ग्लव्स और एसेप्टिक टेक्निक हमेशा यूज करनी चाहिए, अल्सर को डेली क्लीन करते रहना है। और यदि आपको लगे कि यदि अल्सर के अंदर आपको कोई कल्चर भेजना है तो आप हमारे यहां पर कल्चर के लिए स्टिक भी आती है जिसके आगे कॉटन स्वैब लगा होता है, तो कॉटन स्वैब से बुंड के ऊपर से यो क्लीन करके और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के आप भेज सकते हैं, जिसको बेटा हम स्वैब स्टिक कल्चर बोलते हैं। और यदि पस आ रही है तो आप एक वायल के अंदर, ये सारी चीजें स्टराइल होनी चाहिए, उसके अंदर आप उसे भेज सकते हैं। इसके बाद में हाइड्रोजेल आती है, ये हाइड्रोजेल कवर सरफेस ऑफ अल्सर विद हाइड्रोजेल यूजिंग एप्लीकेशन और ग्लव्ड हैंड। ये क्या करती है बेटा, हाइड्रोजेल पानी को कांटेक्ट में नहीं आने देती है। एंजाइम्स एवरी थिन लेयर ऑफ ऑइंटमेंट ओवर नेक्रोटिक एरियाज ऑफ अल्सर ओनली और सराउंड, डू नॉट अप्लाई एंजाइम टू सराउंडिंग एसके, अप्लाई गॉज ड्रेसिंग डायरेक्टली ओवर अल्सर, सिर्फ गॉज ड्रेसिंग आपको करनी है। उसके बाद में ग्लव्स आपको रिमूव कर देने, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है बेटा। इसके अंदर जो केयर के अंदर आता है, जैसे एक बेट्स जेंसन बुंड असेसमेंट टूल है बेटा, बेट्स जेंसन BATSJENSEN असेसमेंट टूल बेटा, ये बहुत डिटेल में टूल है। इस टूल के अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे आप प्रेशर सोर को असेस करोगे, असेसमेंट करोगे। तो इसके अंदर दिखाया गया है जैसे साइज के बेस पे, डेप्थ के बेस पे, डेप्थ के बेस में मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 आप कैसे नंबर दोगे। जैसे वन पे यदि टिश्यू डैमेज हो गए बट स्किन नो ब्रेक इन स्किन सरफेस, एक, दो में क्या होगा सुपरफिशियल एब्रेशन और ब्लिस्टर हो जाएंगे, और पांच में क्या होगा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड टेंडिंग जॉइंट एंड कैप्सूल सारे डैमेज हो गए। तो बेटा ये एजेस के, अंडरटर्माइनिंग के, नेक्रोटिक टिश्यू टाइप के, स्किन कलर एंड सराउंडिंग टिश्यूज के, एक्सुडेट अमाउंट के, एक्सुडेट टाइप के, नेक्रोटिक टिश्यू, इसके ऊपर जो ये हमारा बनाया गया बेटा ये बेट्स जेंसन असेसमेंट टूल है बेटा। ये टूल बहुत लंबा है यदि हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे डिस्कशन करने से हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो याद करना है बेटा वो ये याद करना है प्रेशर सोर में कैसे क्या किया जाता है। तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है, पोजिशन, मॉइस्चर, हीट, नो पैथोजेंस, स्किन कंडीशन, बैक केयर, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जो बेसिक चीज है। और बाकी तो बुंड केयर पे यदि आप आ जाएंगे तो आप डिब्राइडमेंट हो गया, क्यूरेटाइज हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा बुंड इरिगेशन। बुंड इरिगेशन, इरिगेशन जहां आ गया वहां क्या है, पानी को प्रेशर से फेंकना और उस बुंड को क्लीन करना। घाव है, घाव के ऊपर हम प्रेशर से पानी फेंक रहे तो वो घाव साफ होगा, उसको बुंड इरिगेशन बोलते हैं। ये बुंड इरिगेशन कर देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे। आजकल एक और तरीके की ड्रेसिंग आई हुई है बेटा मार्केट के अंदर, जैसे नॉर्मली जो हमारे कॉटन स्वेब्स, गॉज पीसेज और ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग भी आ गई है आजकल। ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग मींस पॉलीथिन का एक पतला सा कवर सा आता है जो कि ट्रांसपेरेंट कवर कर लेता है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। उसके बाद एक जो आजकल जो यूज हो रही है बेटा वो रही है वुंड बीएससी यूनिट, बैक यूनिट। बैक मींस, बैक मींस आपको मैं बताऊं, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, वैक
बैक का मतलब क्या होता है बेटा? वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। इसका मतलब क्या है बेटा वैक्यूम? अब आप लोग देखो, ये बहुत नई चीज है आजकल। क्या देखो, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर या जहां भी है, हम लोग ये चीज अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे या नहीं होती होंगी, लेकिन जब हम बात करते किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हमारे, यदि कोई आपने कार्डियक मॉनिटर देखा होगा, ऐसे कार्डियक मॉनिटर की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है। और एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग, जैसे आप इसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म मान लो, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म को बुंड के ऊपर रख दिया जाता है और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ट्यूबिंग की तरफ से। जब आप इसे ट्यूबिंग की तरफ से कनेक्ट कर देंगे, तो इसके पीछे इसमें हीट भी पैदा होती है। ये हीट से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। वो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा, टिश्यू जल्दी हील करेंगे। और यदि कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो पस डिस्चार्ज इधर उधर नहीं फैलेगा, वो ट्यूबिंग से बाहर आता जाएगा। कई जगह बायोसील ड्रेसिंग भी आजकल युद्ध में करने लग गए, बायो ड्रेसिंग भी आ गई है। नॉर्मली बैक यूनिट कनेक्टिंग ट्यूबिंग इसके अंदर होती है, और कनेक्टिव ट्यूबिंग के साथ एब्जॉर्बेबल फॉर्म ड्रेसिंग होती है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म मीन्स जैसे फॉर्म होता है हमारा, वो हाई क्वालिटी का फॉर्म होता है, जिसको हम बूंद के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि वो उस बूंद का जो भी उसमें से ड्रेन है या जो भी पस कंटेंट है या कोई भी ऐसा केमिकल है, वो बाहर निकलेगा। निकलने के बाद वो एब्जॉर्ब करता जाएगा और अंदर से इन्फेक्शन की रेट कम होगी और वो हील होने के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये बैक आजकल बहुत अच्छे उसमें चल रहा है, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, जिसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, लेकिन इन हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्रेसिंग एप्लीकेशन करना है, ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से करना है, और आपको हमेशा याद रखना है बेटा, ड्रेसिंग करते टाइम एंटीसेप्टिक या एसेप्टिक टेक्निक को यूज करना है। पेशेंट के इन्फेक्शन को रोकना है, पेशेंट को हेल्दी बनाना है, पेशेंट की रिकवरी आपके लिए प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बेटा एक नर्सिंग की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, नर्सिंग में हर जगह लिखा आता है, डू द एक्शन ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट, ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो प्रायोरिटी है, उसी के बेस पे आप सेट करो उसकी प्रायोरिटीज क्या है, और उसी के बेस पे आप उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। तो बेटा ये सारा जो है ना, एक शॉर्ट, ये शॉर्ट प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर है, इसके नाम की हमने वीडियो डाल दिया। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट्स करो यार, देखो, शेयर करो, बताओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और व्यूज देखो यार, जब तो मजा आएगा। आप देखेंगे जब तो हमें आउटपुट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।